कि संसार के विषय में मन को खूब कड़ा रखो, कठोर। बाप मरे, माँ मरे, बेटा मरे, बीबी मरे, संसार नष्ट हो और मन पिघले ना, रोने लगे हमारा ये हो गया वो हो गया, हंसते रहो, अच्छा हुआ। क्यों अच्छा क्यों हुआ? अरे भगवान ने कहा है, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। दशम स्कंद के 27वें अध्याय का 16वां श्लोक, भगवान स्वयं कहते हैं, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। तो संसार छीनने का मतलब भगवत कृपा, और संसार मिलने का मतलब उल्टा। अब अहंकार होगा, मैं करोड़पति हो गया। कोई भी चीज विशेष रूप में आ जाए किसी के पास, बस अहंकार हो जाता है। कोई हो विश्व में बच नहीं सकता कोई। अरे कुछ ना हो, खाली जुआवस्था हो जाए, वो तो सबकी होगी। सुंदर हो, कुरूप हो, पढ़ा लिखा हो, मूर्ख हो, चाहे जो हो, जुआवस्था तो आएगी एक दिन। हाँ, जब जुआवस्था आती है, लोहा है लोहा, हाँ अकड़ के चलता है। एक लड़की थी कुरूप, लेकिन जुआ थी। तो एक देवता उसको मिला और उसने कहा, बेटी कुछ बर मांग लो। तो उसने कहा, हम क्या बर मांगे, तुम्हें जो इच्छा हो दे दो। तो देवता ने कहा कि मैं सुंदर बना दूं। उसने एक झापड़ दिया, क्या मैं कुरूप हूं? विद्वान ने लिखा है कि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे गर्द भी चाप सरायते, 16 वर्ष की उम्र में गधी, गधे की लड़की भी अपने को अप्सरा मानती है। ये जवानी का नशा सबको होता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमुजत्र चतुष्टयम्। ये चार चीजें अनर्थ करने वाली है, जुआवस्था, और फिर धन मिल जाए, पैसा, और फिर कोई पोस्ट मिल जाए, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, कुछ हो जाए, और फिर मूर्खता भी साथ में रहे, तत्वज्ञान भी ना हो शास्त्र वेद का। तो ये चार चीजें ऐसी खतरनाक है कि एक तो बंदर चंचल, उसको शराब पिला दो, क्या हाल होगा, उसी को बिच्छू डंक मार दे और उसी को भूत लग जाए, प्रेत, तो उस बंदर का क्या हाल होगा? बस वही हाल उस व्यक्ति का होता है जिसमें ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएं। और अगर एक भी हो जाए तो एक ही कमप्यनर्था है, सर्वनाश के लिए एक ही काफी है। तो संसार
मिलना है, इसको सब समझते हैं, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। हाँ, ये कृपा नहीं है। वैसे भगवान किसी का छीनते नहीं, किसी को देते नहीं, सब प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, लेकिन अगर किसी का प्रारब्ध के अनुसार छिन जाए तो समझो ये कृपा है, उसको बुरा न मानो। हे बड़े बड़े संत हुए हैं, तुकाराम वगैरह, इनका जब संसार नष्ट हुआ तो इन्होंने कहा अच्छा हुआ, एक कांटा खत्म हुआ, ये दूसरा भी खत्म हुआ, ये तीसरा भी खत्म हुआ। अरे कुंती ने वर मांगा था भगवान से, विपदा संतु न शाश्वत, महाराज हमारा संसार छीन लो, छीन लो। जन्म ईश्वर जश्रुत श्री भी रेधमान मदपुमान, अरे नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, श्री मद वक्र न की न केही। सब पागल हो जाते हैं, शरीर सुंदर हो गया शरीर, आप चार आदमी उसको देख रहे हैं हो गया वो, अब भगवान की ओर नहीं चल सकता, वो अपने को भगवान मानने लगा। हा? और जब वही अधिक उम्र का हो गया और कोई उसकी ओर देखता नहीं तो कहता है, हाँ एक दिन तो मेरे पीछे पीछे लोग घूमते थे, एक झलक मिल जाए अब आज मैं खड़ा हूं कोई देखता ही नहीं। हाँ वही शरीर है, दूसरा नहीं। ये जितनी सुंदरी है विश्व सुंदरी कहलाती है, बहुत से पिक्चर में है, देखो ये जब कहीं जाती है तो हजारों की भीड़, इनको क्या मिलना है देखेंगे। अरे तो रोड तो देखते हो पिक्चर में, अरे प्रत्यक्ष देखेंगे। और जब वो हो गई 50 की तो वो खड़ी हो दिखाने के लिए तो भी गई, अरे जा तू तो 4 बच्चे की माँ हो गई, अब क्या देखे तुझको कोई नहीं देखता। वो मम्मी हो गई ना, माताजी लोग बोलने लगे हमको, हे भगवान। अरे कितनी स्त्रियां तो बड़ा बुरा मान जाती हैं कि मैं माताजी हूं, अभी 50 की तो हूं ये ऐसा अहंकार का रोग है, सबके पीछे लगा है। और आप लोग जब अकेले में सोचते हैं मुझे क्या अहंकार है, कुछ नहीं तो बड़े आराम से अपने आप फैसला दे देती है बुद्धि। अरे बुद्धि में तो अहंकार है, वो भला बुद्धि अपने खिलाफ जजमेंट क्यों देगी क्यों बुद्धि देवी, अपन कुछ अहंकार रखते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ और लोग रखते हैं, अपन तो नहीं रखते। अरे वो नेचर है, नेचर। भगवत प्राप्ति के बाद वो मिटेगा, उसके पहले कोई नहीं मिटा सकता। हाँ तत्वज्ञानी उसको दबाए रहता है, कंट्रोल में रखता है। जो तत्वज्ञानी होता है, जो शास्त्र वेद का तत्वज्ञान मस्तिष्क में रखता है हमेशा, वो जानता रहता है ये सब दुश्मन है, इनसे होशियार रहो। तो संसार के प्रति कठिन बनो, कठिन, काठिन्यम विषय कुरजात।
पिघलो मत। लड़की विदा हुई वहां भी आंसू, गुरुजी विदा हो गए वहां भी आंसू। ये क्या है, वेश्या बन गई तू तो, कैसी जीवात्मा है? या तो भगवान के निमित्त आंसू निकले, और अगर मरना ही है तो संसार के पीछे मरो, फिर काहे को भगवान के पीछे जाने का दावा करते हो? तो हृदय को पिघलना, जब हृदय पिघलता है, ध्यान दो, तो जिसके लिए पिघलता है वो हृदय में आ जाता है। ये फिलॉसफी है अकाट्य। अगर हरि गुरु के लिए पिघलेगा तो वो आ जाएंगे हृदय में और शुद्ध कर देंगे, और अगर गंदे लोगों के लिए पिघलेगा, मम्मी और पापा और वगैरह वगैरह के लिए, तो और गंदा होगा। ये समझे रहो। अरे देखो, खाना खाते हो, खाते खाते चावल रोज आप लोग खाते हैं, उड़िया लोग, कोई कंकड़ आ गया तो क्या करते हो? उसको बाहर निकाल देते हो ना, ये दुश्मन है, कहां आ गया बीच में? तो उसी प्रकार ये संसार सब हमारा दुश्मन है, आत्मा का सर्वनाश कर रहा है अनादिकाल से, अपनी ओर खींच खींच के है हमको। मम्मी मान, अरे अनंत मम्मी हो चुकी, किस किस को मानूं? मैं मर जाऊंगा फिर एक मम्मी बनेगी, फिर मर जाऊंगा फिर एक मम्मी बनेगी, अनंत मम्मी बन चुकी, मनुष्य ही नहीं, ए कुतिया, ये बिल्ली, ये गधी, जिनको देख के हम हंसते हैं, ये सब हमारी मम्मी बन चुकी हैं। तो सोच कर तत्व ज्ञान पर, आप लोगों को नाश्ता करना है, हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान के विषय में हृदय पिघले और संसार के विषय में बिल्कुल नहीं पिघले, कड़ा बना रहे, तब भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। धारे हमारे
नाथ अगती के, नाथ अगती के, गति अनाथ हम, नाथ अगती के, गति नाथ अगति के, गति अनाथ हम, नाथ अगति के, गति अनाथ हम, गति अनाथ गति मोरी बिचारे, कहो कौन गति मोरी बिचारे, कहो कौन गति, कहो सारे।
इन साम आगनीत पतित रोम प्रति इन साम आगनीत पतित रोम प्रति इन विराद रखवारे भारत पतित विराद रखवारे भारत पतित विराद Thank you.
स्तंभ कोटि शत काल No way.
प्रभु सन कछु
हमारो
जी दून पिशाची गावती पिया गुण ग्राम हमारो हमारो
रसताजी ज्ञानीन को अस कृपालु रसताजी ज्ञानीन को प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी